नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सचिवालय, जहाँ केजरीवाल जी बैठते हैं, सीएम ऑफिस है। और यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं SFI के स्टूडेंट्स और DU से भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं काफ़ी तादाद में। और इनकी क्या कुछ मांगे हैं, इन्हीं से जानते हैं क्यों यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? दिल्ली सचिवालय है, सीएम ऑफिस है, सीएम साहब बैठते हैं यहाँ पर। सीएम साहब बैठते हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि हम लोग छात्र हैं और हम सभी छात्र जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और जो ये पास, मेट्रो पास आप देखेंगे, आप अभी अगर ट्रैवल किया तो आपको खुद पता होगा कि जो मेट्रो का किराया है वो कितना महंगा है। हम उसमें मैं जो छात्र हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनके लिए वो कंसेशन चाहते हैं। हम फ्री की मांग नहीं कर रहे कि हमें फ्री चाहिए, हम चाहते हैं हमारे लिए अफोर्डेबल मेट्रो प्राइस हो, हमें अफोर्डेबल चाहिए। और ये हमारा, आप देखिए, हम में से कोई सारे स्टूडेंट ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अर्निंग कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है, हम सब स्टूडेंट हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो। ट्रैवल करने में, अगर आप बस से ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करने में आपको ट्रैफिक मिल जाता है, आपका कितना भी नियर बाई डिस्टेंस हो, अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो आपका एक घंटा निकल जाना है। तो यही है। और हम मेट्रो में कर नहीं सकते ट्रैवल, क्योंकि हमारे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं, इतना पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए महंगा हो जाता है, वो आउट ऑफ बजट हो जाता है। हम चाहते हैं कि मेट्रो पास ऐसे प्राइस में हमें दिया जाए, कंसेशन के साथ दिया जाए, जहाँ पे हम अपनी मेट्रो जो सफ़र है, जो आम जनता के लिए, उसे आम स्टूडेंट और आम स्टूडेंट्स के द्वारा यूज भी किया जाए। मगर ये नीति तो आप ही लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए लागू होती है ना? नहीं तो बाकी आप देखिए ना, और लोग हैं, हम लोग वर्किंग नहीं, मैंने आपसे बोला हम लोग वर्किंग नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं। और हम में से कई से लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पे खुद का घर नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, तो वो यहाँ अपना पहले तो रहने का देखते हैं, खाने का देखते हैं, उनके ऊपर इतना एडिशनल प्रेशर आ जाता है कि अगर वो एक दिन भी कुछ कर लें, अगर मान लीजिए वो एक दिन भी अगर उन्होंने मेट्रो से ट्रैवल कर लिया, बस से ट्रैवल करने वाले बंदे ने अगर एक दिन भी मेट्रो से ट्रैवल कर लिया, तो शायद उसका एक दिन का बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है बस से ट्रैवल करने पे भी। बस से आप, मैंने बोला कि बस में हम अगर मिनिमम हमारा नियर बाई डिस्टेंस है तब भी हम आराम से एक घंटा अपना दे सकते हैं, एक घंटा आई है या एक घंटे, मेरा मैं खुद का बताता हूँ, मैं जाता हूँ तो मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, कम से कम। कभी मैं कहाँ पहुँचने पर, ये आपने संगम बिहार सुना होगा, वहाँ पहुँच, घर से आते हैं कॉलेज? हाँ, मैं घर से आता हूँ। हाँ। मेरी फैमिली नहीं रहती है, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे लिए अफोर्डेबल है। क्या नाम है आपका, किस कॉलेज में पढ़े? मेरा नाम आरिफ है, मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का छात्र हूँ। अच्छा, तो हॉस्टल्स वगैरह में नहीं रहते हैं आप लोग? नहीं, हमारे कॉलेज का पहली बात तो हॉस्टल ही नहीं है। तो हमारे जहाँ हमें अफोर्डेबल होता है वहाँ हम रहते हैं, फिर वहाँ से ट्रैवल करना, उसके बाद आप यहाँ से पहले 2 घंटा ट्रैवल करिए, घर पहुँचिए, कॉलेज पहुँचिए, अगर कॉलेज आ रहे तो आपका एक क्लास छूट जाना है, घर जा रहे तो आप थक जाते हैं, तो आप सोचते हैं रेस्ट कर लिया, और रेस्ट में सो भी जाते हैं कभी कभी, काफ़ी थकावट हो जाती है। तो पढ़ाई जो है ना वो प्राइमरी, वो सेकेंडरी चीज़ रह जाती है, और बाकी ट्रैवल जो लगता है मुझे वो फिर वो प्राइमरी हो जाता है, पढ़ाई हमारी पीछे रह जाती है। क्योंकि जो ये हैं आप देख लीजिए, मेट्रो से ट्रैवल नहीं किया जा सकता, एक स्टूडेंट नहीं कर सकता है, जो मिडिल क्लास है वो मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर सकता है। अगर मैं वहाँ से मेट्रो, हाई क्लास के लिए मेट्रो है? नहीं, हाई क्लास के लिए नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं बात यहाँ स्टूडेंट्स की कर रहा हूँ, मैं किसी क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। हर स्टूडेंट्स का जो रहता है उन्हें एक प्रॉपर मंथली पैसा दिया जाता है, आप इतने में एडजस्ट कीजिए, तो वो उसी में करता है। ठीक है, मैं यहाँ क्लास की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। बस में पास मिल रहा है, मैंने बोला बस का पास जो है वो मिल रहा है, हम वही चाहते हैं जैसे बस में मिल रहा है ऐसे ही मेट्रो में भी हमें मेट्रो पास चाहते हैं आप लोग? हाँ, कंसेशनल मेट्रो पास। हाँ, हम लोग कंसेशनल। कॉर्पोरेट्स हाउस तो डूब जाएगा? क्यों डूब जाएगा, क्यों डूब जाएगा बताइए, क्या केवल स्टूडेंट ही मेट्रो पे ट्रैवल करते हैं? मगर आपको हॉस्टल्स, अच्छा मैं अभी और भी लोगों से, आपको हॉस्टल्स वगैरह तो मिलते हैं, वहाँ पे खाना भी मिलता है, रहने की सुविधा मिलती है, और ज़्यादा फीसिस भी नहीं है सब चीज़ की JNU के, जैसे कि आप जानते ही हैं, है ना? तो फिर आप इधर भी जो है आप मांगे कर रहे हैं कि आपको पास जो है मिल जाए? पहले तो मैं DU का स्टूडेंट हूँ, और DU में हॉस्टल्स की इतनी कमी है कि आप जाकर देखिए, स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा जो परेशान है स्टूडेंट वहाँ पे, वो है अकोमोडेशन को लेके। ठीक है, स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलता, मिलता है तो कुछ कॉलेजेस में मिलता है, और वो बहुत महंगा है। मेरे कॉलेज में, हिंदू कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 1.5 लाख रुपये गर्ल्स हॉस्टल की फीस है, 1.5 लाख से ज़्यादा, और बॉयज़ हॉस्टल बंद पड़ा हुआ है। बॉयज़ हॉस्टल बंद पड़ा हुआ है? बिल्कुल,
बॉयज हॉस्टल बंद पड़ा हुआ है और बच्चे फिर रहेंगे क्या आसपास के इलाके में रहने की सोचेंगे, तो कैंपस के आसपास किराया इतना ज्यादा बढ़ गया 2 BHK फ्लैट के लिए 30,000 से 40,000 वगैरह आसपास ही है। बिल्कुल 30,000 से 40,000 रेंट देगा 2 BHK फ्लैट के लिए, पीजी में 10,000 से 15,000 छोटे रूम भी तो मौजूद है वहाँ पर, आप भाई अफोर्ड कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, मतलब उन वो छोटे छोटे रूम्स आप देखें ना, उनमें वेंटिलेशन होता है, रहने लायक कुछ मतलब वो रूम कहा नहीं जा सकता उसको, लेकिन फिर भी बच्चे उसमें रहते हैं। उसके बावजूद जो खर्चा होता है वो 10,000 आ जाता है खाने पीने का रहने का खर्चा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऊपर से ट्रैवलिंग का लगा के चलिए, आप ट्रैवलिंग मेट्रो से अगर कोई बच्चा ट्रैवल करता है, ठीक है, एक बार के अगर आप 15 रुपये भी लगा लेते हैं, ठीक है, 2 बार के 30, और फिर रिक्शा से मेट्रो स्टेशन से आप कॉलेज जाएंगे रिक्शा, ठीक है, रिक्शा का किराया भी 15 हो चुका है आपको पता हो तो 60 रुपये एक दिन का खर्च करता है ट्रैवलिंग के लिए। और एवरेज जो बच्चा मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन है जो DU की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, वो दिल्ली NCR के इलाके से है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनको रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है दूर दराज के इलाके से कम 10 से 20 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, तो वहाँ से उनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनके लिए तो 100 से 150 रुपये आप लगा के चलिए ट्रैवलिंग का, तो 3,000 से 4,000 रुपये बच्चा अगर ट्रैवलिंग पे ही खर्च करेगा तो बाकी उसको मतलब मिलता ही कितना है घर से, आप घर से मांगने में भी शर्म आती है बार बार कि हाँ हमको पैसा दे दो, पैसा खत्म। किस ईयर में पढ़ रहे हैं आप? मैं 3rd year में हो गया हूँ अभी, फाइनल ईयर चल रहा है आपका, क्या नाम है? अंकित। तो अभी फैमिली से घर से आते हैं या फिर आप रूम वगैरह लेकर रह रहे हैं? मैं अभी रूम लेकर रह रहा हूँ, और मैं ये बता दूँ मैं कैंपस के आसपास रूम नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ रूम बहुत महंगा था, 6 किलोमीटर दूर रूम लेकर रह रहा हूँ, और वहाँ से भी जैसा कि मैंने बताया ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत आती है। हॉस्टल्स का क्या है वहाँ पर, इसी तरीके का रवैया है मतलब हॉस्टल्स बंद पड़े हैं, मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ले रहे हैं आप? बिल्कुल, नॉर्थ कैंपस में आप किसी भी मतलब नॉर्थ कैंपस नहीं DU के किसी भी कॉलेज में देखिए हॉस्टल का किराया 1 लाख होगा या फिर 1.5 लाख तक, इतना किराया। DU तो दावा कर रहा है कि जो इतने दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए हमने बहुत सुविधाएं दे रखी है स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं बताता हूँ, पिछले कुछ मतलब कुछ महीने पहले हमने हॉस्टल्स के लिए भी प्रोटेस्ट किया था और DSW से मिले थे डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, तो उनका कहना था कि हम सभी स्टूडेंट्स को अपना हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करा सकते, उन्होंने साफ साफ कह दिया हम पर्सनल लेवल पर मदद कर सकते हैं। हमने पूछा पर्सनल लेवल पर क्या आप कितने बच्चों की मदद कीजिएगा, कितने लोग स्टूडेंट रहते हैं अपना DU के आसपास के इलाके में जो अपना फालतू का रेंट खर्च कर रहे हैं, उनको हॉस्टल मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा ये दावा गलत है DU का कि सबको हॉस्टल मिल रहा है, सबको सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। टीचर्स वगैरह और पढ़ाई वगैरह कैसी है वहाँ पे? टीचर्स मतलब पढ़ाई अच्छी है इसीलिए तो DU में आते हैं बच्चे, लेकिन फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं DU को, मतलब यहाँ सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए कम से कम ये जो ट्रैवलिंग का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो तो कम हो, इतना हम चाहते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ LSR से, 3rd year में हूँ अभी, और यहाँ पे जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कंसेशनल मेट्रो पासेस के लिए हैं। सिंस आई बिलोंग टू अ फीमेल कॉलेज, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो फीमेल कॉलेजेस का जो पेरेंट्स का जो डाउट होता है बस में ट्रैवल करने का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को मेट्रो या फिर ऑटो ज्यादा हम लोग, दिल्ली सरकार ने तो महिलाओं के लिए बसेस जो है फ्री की हुई है। हाँ, लेकिन उसमें भी क्या होता है ट्रैफिक होता है और सारे लोग बस में ट्रैवल नहीं कर पाते, लोगों का फिजिकल कैपेसिटी नहीं होता है ट्रैवल करने का जो बसेस में, इस वजह से लोग मेट्रो चूज करते हैं या फिर जो उनको सुविधाएं जो लगती हैं कि जिसमें वो कंफर्टेबली जा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज ही नहीं लोग UPSC वगैरह की भी प्रिपरेशन करते हैं तो उनको अपना एनर्जी भी सेव करना पड़ता है, तो वो लोग वो ट्रांसपोर्टेशन चूज करते हैं जिसमें वो इस कैपेबिलिटी में रहें कि ताकि जाके आगे की वो पढ़ाई कर सकें। इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग ये भी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि फ्री दो, हम लोग बोल रहे हैं कंसेशनल आप मेट्रो पासेस दो, और ये सिंस हम लोग पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हर एक स्टूडेंट का राइट होता है कि एटलीस्ट हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो और हॉस्टल फैसिलिटी हो। हमारे कॉलेज में हॉस्टल केवल 1st year को प्रोवाइड किया जाता है, 2nd year 1st year को दिया जा रहा है, केवल 1st year को दिया जाता है, उसमें कमरे ही नहीं है कि 2nd year 3rd year की गर्ल्स को अकोमोडेट किया जा सके। इस वजह से जो गर्ल्स साउथ इंडिया से आती हैं, नॉर्थ इंडिया से, अलग अलग स्टेट्स से आती हैं, उनको पहली बात तो जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इवन अपर क्लास फैमिली से हैं,
15K से रेंट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होता है हमारे कॉलेज के पास से साउथ दिल्ली में, जो कि आप जानते हैं कि उसका रेंट कितना हाई है। तो उसके उस लिए हम लोग कितना दूर पे लेते हैं रूम, और उसकी वजह से हम लोग को ट्रैवल करना पड़ता है रोज, और उस वजह से हम चाहते हैं कि किसी किसी का तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो रूम रेंट से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी तरीके से वो रूम शेयरिंग में तो ले लेते हैं लेकिन खर्चा जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो शेयरिंग पे नहीं आ पाता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमें कंसेशनल मेट्रो पास मिले, ताकि हमारा एजुकेशन और स्मूथ हो सके, और भी जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो आके यहाँ पे विदाउट एनी सिक्योरिटी इश्यूज, विदाउट एनी प्रॉब्लम एजुकेशन यहाँ पे ले सकें। बट कहा जाता है स्टूडेंट तो हमेशा से ही संघर्षरत है और संघर्ष करता आया है, तो आप मतलब संघर्ष तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, राष्ट्रहित में हिंदू राष्ट्र बन चुका है, तो हम संघर्ष तो हम हमेशा हर मोड़ पे कर ही रहे हैं, ये भी एक संघर्ष का पार्ट है। अगर हम आज अपने लिए लड़ रहे हैं तो हम कल किसी और के लिए भी लड़ रहे हैं, ताकि अगर आज हमें ये सुविधा मिल जाएगी, नहीं भी मिलती है, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमारी जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है, कम से कम वो जानेंगे कि मतलब अगर आज हमने ये आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियाँ जानेगी नहीं कि ऐसा कुछ राइट भी है हमारा। सब सोचेंगे कि हम आने वाले लोग भी यही करते आ रहे हैं, हमें भी इसी में जीना है, लेकिन नहीं, स्टूडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट है कि उनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू हॉस्टल, राइट टू ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम उसके लिए उनसे बोल रहे हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, आप इस ड्यूटी से देखिए आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप ये ड्यूटी पूरा करिए। हम उनको ये याद दिला रहे हैं, ये हम कोई नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, बस वो ये है कि अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप अप्लीकेबल करिए इसे। सरकार क्या भूल चुकी है, सरकार को अब छात्रों को बताना पड़ेगा सर कि अपना काम सही से करें। अगर आप DU की हिस्ट्री में देखें तो हम हर एक चीज़ के लिए उन्हें बताते ही आए हैं कि देखिए यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, हॉस्टल नहीं दे रहे हैं, फीमेल के लिए हॉस्टल बहुत ज़रूरी है। हंसराज में भी हॉस्टल के मुद्दे पर उन्होंने गौशाला बनवा दिया था, तो ये सब हमने उनको रिमाइंड करवाया कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं। और गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्वेश्चनिंग इंटरोगेशन वगैरह हमारा राइट है, और तो हम उनको इंटरोगेट करते हैं जहाँ पे हमारा राइट फुलफिल नहीं होता है, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा राइट फुलफिल नहीं है और हमें ट्रांसपोर्टेशन में लिमिटेशन आ रहे हैं। आप राइट के चक्कर में राइट बोल बोल कर आप जो छात्र जो रोडों पर उतर जाते हैं, आप राजनीति करते हैं। राजनीति तो गवर्नमेंट भी करती है, और कहते हैं कि हम जो यूथ हैं वो आगे राजनीति में भी आएंगे, हर सेक्टर में जाएंगे, तो हमें लगता है राजनीति करना सबके लिए सही है, क्योंकि राजनीति से हम जो असली भारत है हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और क्योंकि अगर जिस दिन हम अपने बोल, अगर हम घर की दीवार में भी अपने राइट के लिए बोलते हैं, अपनी जो भी चीज़ों के लिए बोलते हैं, राजनीति ही कहलाता है। तो भारत में जो राजनीति का मुद्दा बोल दिया गया है, तो स्टूडेंट तो राजनीति करेगा ही, क्योंकि जब गवर्नमेंट राजनीति में है तो हमें पता है कि उनको कौन सी भाषा समझ में आती है, तो हम उस भाषा से ही समझाएंगे जिनको उनसे समझ में आता है। अच्छा, अभी आपके यहाँ से साथी लोग गए थे अंदर सचिवालय में, और अंदर से क्या जवाब आया, क्या कुछ? अंदर से उन्होंने यही जवाब दिया है कि आप हमें सिग्नेचर और मेमोरेंडम सबमिट कर दो, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो हमेशा से विचार विमर्श करने से कुछ होता नहीं है, जब तक उनका कुछ एक्शन या फिर जो वो करना चाहते हैं वो पब्लिक में ना दें। ऐसे तो वो चाहते हैं, वो हमें और बुलावा दे रहे हैं कि हम रोज़ आएंगे और हम ऐसे धरने प्रदर्शन करेंगे, और हम करेंगे, क्योंकि हमारा नारा है स्टडी एंड स्ट्रगल, तो हम उसके मुताबिक हम करेंगे जो ये करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो हर बार सिग्नेचर सबमिट कर लेना, मेमोरेंडम सबमिट करके फाइल में रख लेना, पता नहीं पढ़ना या ना पढ़ना, वो बहुत गलत है, क्योंकि नहीं है, हमें नहीं पता ये क्या करते हैं, क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन को काम रहता है सरकार को, जो भी हम साहब हैं, तो हम भी एक यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, वो हम भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इंडिया के, जो कि हम आगे का भविष्य बनाएंगे। तो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको, हम पे हमारा एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिसपे उनको ध्यान देना चाहिए, और हम वही एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे को हम लोग बता रहे हैं कि आप इस पे भी ध्यान दीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर उनके पास बहुत बड़े मुद्दे हैं तो ये भी एक बड़ा ही मुद्दा है जो हम उन पे फोकस करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? निष्ठा। निष्ठा कौन से ईयर में पढ़ते हैं अभी? थर्ड ईयर में DU में पढ़ते हैं जी। कैसे ट्रैवल करते हैं, मतलब बस से करते हैं, मेट्रो से करते हैं?
एक टाइम हमें बस से ट्रैवल करना पड़ता है और वापस जाते वक्त कॉलेज से हमें मेट्रो में ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक इवनिंग कॉलेज से हूँ और मैं फीमेल हूँ तो मैं बस में ट्रैवल करने का रिस्क नहीं ले सकती। एक इवनिंग कॉलेज, जी इवनिंग कॉलेज, जो क्लासेस लास्ट 9 बजे ख़त्म होती है और मेरा कॉलेज नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास होता है जो करीबन 1 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ता है, तो वहाँ से पैदल जाना या रिक्शे का भाड़ा लग जाता है, वहाँ से 10 रुपये लग जाते हैं, फिर मेट्रो से जाने में 30 रुपये लग जाते हैं, फिर मेट्रो से जब वहाँ जीटीबी के पास रहती हूँ वहाँ पहुँच कर फिर मुखर्जी नगर जाने में 10 रुपये लग जाते हैं, तो ऐसे 10-10 करके लग तो कम रहे हैं एक बार में, लेकिन जब पूरे दिन का देखा जाए तो 150 रुपये चले जाते हैं। बस से जाने में 1.5 से 2 घंटे कहीं नहीं जा रहे हैं हमारे, दरियागंज होकर हमारी बस जाती है तो वो कितना जाम होता है सभी को पता है, पूरा मर्चेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा जाम होता है वहाँ पे, तो आने जाने में पूरा दिन चला जा रहा है, 1 बजे निकल रहे हैं, रात के 10 बजे घर पहुँच रहे हैं, सुबह अपना पर्सनल काम भी होता है, बच्चों को जो थोड़ा बहुत पढ़ाया गया कॉलेज में उसको रिविजन करो, फिर असाइनमेंट्स बनाओ, तो इन सब चीज़ ये सब चीज़ करें हम लोग अपने वक्त में या फिर ट्रैवल ही करें, ट्रैवल करके हमारा पूरा समय जा रहा है। तो बसेस से मतलब सुविधा नहीं मिल रही है, दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए इतनी सुविधा की हुई है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ होती तो इस चीज़ की मांग ही नहीं होती कि हमें कंसेशनल मेट्रो पास मिले। सरकारी कॉलेज में पढ़ने का कुछ तो फ़ायदा हो हमें, हम जो गरीब घर से आ रहे हैं या मार्जिनाइज सेक्शन से आ रहे हैं तो हम लोग यही चाह रहे हैं ना कि सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में भी पढ़ सकते थे जो हमारे घरों के पास है, पर हम सरकारी कॉलेज में आ रहे हैं तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा चाहिए, हमें हॉस्टल दे दो या फिर हमें अकोमोडेशन दे दो, कुछ दो, ट्रैवलिंग अलाउंस दो, जिससे हमारा समय बचे। तो अभी आप घर से आती हैं या फिर रूम ले रखा है या फिर हॉस्टल से आती हैं? रूम ले रखा है मैंने मुखर्जी नगर में। रूम का अलग भाड़ा देते हैं? अलग भाड़ा देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग होता है। वो कैसे अफोर्ड करते हैं? उसमें मतलब हम लोगों को अगर जैसे पीजी का खाना सबको पता है यहाँ की कैसा होता है, हर बच्चे की महीने में एक बार तबीयत खराब होनी है, खाना भी अच्छा नहीं आ रहा है, खाना भी अच्छा, मतलब मारने का पूरा प्लान किया हुआ है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के साथ बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हर अगला बंदा रोड पे क्यों खा रहा है कि रोड के खाने से शायद हेल्थ ठीक रह रही है, पीजी के खाने से नहीं रह रही है। हॉस्टल होगा तो फूड फैसिलिटीज़ बेटर होंगी, बहुत कुछ बेटर होगा, स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अभी हॉस्टल इमीडिएट इफेक्ट में नहीं बन सकता है, नहीं मिल सकता है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि मेट्रो में कंसेशनल पास मिले जिससे हम जल्दी आ सकें तो हमारी पढ़ाई हो सकेगी तो शायद आगे हम कुछ कर पाए। मतलब गर्मी का टाइम है आप इसलिए तो नहीं यहाँ पे धरना कर रहे हैं ताकि एसी में, फुल एसी में आए और जाए? एसी बस में हमें कंसेशन मिलता है, ऐसा नहीं है, एसी बस में भी मिलता है, मैं तो लड़की हूँ मुझे तो फ्री मिलता है, एसी बस में आ सकते हैं हम, लेकिन उसमें भी तो समय उतना ही लग रहा है ना, वो तो चल रोड पर ही रही है, ट्रैफिक उतना ही है। तो और भी आप, क्या नाम है आपका? मैं फैयाज हूँ, हंसराज कॉलेज से, 3rd ईयर फिलोसफी कर रहा हूँ मैं, फिलोसफी ऑनर्स। क्या कुछ समस्या आ रही है आप लोगों को ट्रैवल करने में? आप तो लड़के हैं, यंगस्टर हैं, और बोला जाता है कि भाई लड़के जो हमेशा से संघर्ष करते हैं और हमेशा मजबूत रहते हैं, क्या हो गया थोड़ा ट्रैवल कर लेंगे तो राष्ट्रीय हित में? ट्रैवल राष्ट्रहित में क्या, हम जैसे मेट्रो से मैं रहता हूँ, मतलब कि ये जामिया के पास रहता हूँ, तो आने जाने मुझे 100 रुपये लग जाता है, ठीक है, और फिर टोटो का भी किराया है 20 रुपये, तो 140 रुपये आना जाना लग जाता है। यह सब मसला हो चुका है, इतने मेरे कॉमरेड ने सब बता चुका है। मेन इशू ये है कि मेरे कॉलेज में 200 सीट से, ठीक है, हॉस्टल के, और 3500 बच्चे हैं, तो आप ये बताइए कि मतलब कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, और पीजी में लेना और पीजी का खाना वगैरह तो ऑलमोस्ट 15,000 पड़ जाता है, आने जाने का अगर हमें 3,000 रुपये लगता है टोटल इसमें मेट्रो में, तो वही हमें कंसेशन चाहिए, और हमारी कोई डिमांड नहीं है, बस कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं, मतलब अपना टाइम भी बचाना चाहते हैं और हमें एसी का पास। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब राजनीति करते हैं आप लोग? हैं आप मुझे लग रहा है आप राजनीति कर रहे हैं, आपने कहा हिंदू राष्ट्र, मतलब समझा सकते हैं क्या है ये? देखिए हिंदू राष्ट्र सब चिल्लाते हैं, सब बोल रहे हैं, बात है, लेकिन बोला भी जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा नहीं है, मतलब भाई रोड़ों पे उतरे हुए लोग चिल्लाते हैं। आप अगर जबरदस्ती थोपिएगा कि हिंदू राष्ट्र है तो वो गलत बात है, लेकिन आरोप मैं कहा थोप रही हूँ? बिल्कुल, आपने कहा, मैंने सुना है कि आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं, ये सेकुलर नेशन है, ठीक है, इसमें सबकी राइट है और हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, ये मेरा कहना है और कुछ नहीं कहना है। बोला ही जाता है कि स्टूडेंट्स जो है लगातार उनको हॉस्टल्स मिल रहा है, फ्री का खाते रहते हैं, फ्री का, ऐसे आरोप लगते हैं लेफ्टिस्ट पे। आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं, आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप देखिए कि रियलिटी क्या है इसमें, अंदर घुस के देखिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम होता है। आरोप तो ऐसे लगता है कि मतलब क्या ही बताएं, जैसे मोदी जी पे आरोप लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो, लेकिन वो प्रोफेशनली बहुत गुड आदमी है,
बहुत मस्त आदमी है। आप ही लोग तो लाते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान क्या, हम अपना हक मांगने आए हैं। अब हक मांग रहे हैं, पहले आप ही लोग वोट दे देते हैं। तब बिल्कुल, वोट देने के बाद वो अपना भूल जाते हैं ना काम, बात ये है ना। छात्र ही, नौजवान ही सबसे आगे रहता है वोट देने में। पहले वो बोले कि वो जुमला बहुत बोले हैं, 15 लाख देंगे वो नहीं मिला, इतने रोजगार देंगे वो नहीं मिला, चलो हम सब ने माफ कर दिया, छोड़ दिया, क्या भूल माफ कर दिया, प्रधानमंत्री को आप माफ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मतलब थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जुमला बोल दिए, फिसल गया होगा उनका, ठीक है, माफ कर रहे हैं, माफ नहीं कर रहे, मतलब है मान लिए उम्र का उनका ये है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस हम लोग का मेट्रो कंसेशनल पास चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं हमारी डिमांड है, और हम लोग लेके रहेंगे, सरकार झुकेगी क्योंकि झुकाने वाला होने, जैसे किसान बिल वापस लिया गया उसी तरह हम लोग भी डटेंगे, आज 100 हैं, कल 200 आएंगे, कल 500 आएंगे, कम संख्या में लोग हैं, आप धूप धूप से वैसे ही बेहाल हो जाएंगे। बेहाल ऐसा नहीं है, अभी हड्डी है हमारा, अभी जिंदा रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रह सकते तो फिर ट्रैवल करिए ना। ट्रेवल तो कर रहे हैं ना हम, लेकिन ज्यादा पैसे में दे रहे हैं ना, तो हाँ वही हमें कम में देना है। अब सस्ता ही क्या बचा है? ये बताइए कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, मतलब आप जर्नलिज्म, आप हमें सपोर्ट पॉलिटिक्स कर रही हूँ, आप हमें सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक का, लेकिन आप ही अगेंस्ट, आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ, समझ ही नहीं पा रहे भाई साहब, मेरा काम है ये, तो आप पूछूंगी नहीं, आप बोलेंगे, आप सरकार से आपकी बात में बात बोलूंगा नहीं, आपने सरकार निष्पक्ष कर रही हूँ मैं, निष्पक्ष नहीं, आपने मेरे अगेंस्ट बोल रहा है, बात अगेंस्ट बोल रही, आपको फ्रीडम मिला है कि आप पब्लिक की ओपिनियन को जानो, ठीक है, और सरकार से सवाल, ओपिनियन है फिर मैं आपसे सवाल क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूं, क्रॉस क्वेश्चन नहीं की बात करूं तो ठीक है, लेकिन आप उस लेवल की क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, लग रहा है कि आप बस राजनीति कर रही हूं, पैसा चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हूं मैं, किसी पार्टी से नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ कि ये हिंदू हर्ट हो गए, बिल्कुल लोग बोलते हैं उससे हर्ट हो रहे हैं, भावनाएं बहुत आहत हो रही है देश में, वैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने बोला माफ कर दिया, भावनाएं आहत हो गई, आप कूट दिए जाए, मैंने माफ नहीं किया, मतलब ये है कि हाँ मतलब मोदी जी बोल दिए थे, लेकिन अब पता नहीं कब देंगे नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोगों को मिला भी है, जैसे कन्हैया कुमार, वो 15 लाख लेके रहा है, ले लिए, बिल्कुल ले लिया, मिल गया, खाते में आ गए, बिल्कुल उसको उसने लिया है, उसने लिया, उसने खुद बताया, मैंने तो लिया, कैसे लिए हैं? अब उसने जो भी मतलब कि अपना प्रचंड इस्तेमाल किया, जैसे आप लोग भी कर लीजिए, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करेंगे, 15 लाख लेके रहेंगे, 15 लाख नहीं, जो अभी फिलहाल है ये तो करके रहेंगे, आज हो कल हो परसों हो, लेकिन लेके रहेंगे, क्या लेके रहेंगे वही बताइए, मेट्रो कंसेशनल पास हमें चाहिए, आजादी आजादी आप चिल्लाते हैं, आजाद भारत है, बिल्कुल बिल्कुल आजाद भारत में हमें हक है कुछ भी मांगने का। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान प्रसाद है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, मैं दो चीजों पे, कौन सी ईयर का अभी पढ़ाई कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर। बहुत देर से आप कुछ बोलना चाहते थे। हाँ, मैं ये बोलना चाहता था कि दो चीजें, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को माफ कर दिया, आपने कहा कि आप इतने बड़े हो गए कि प्रधानमंत्री को माफ कर देंगे, ठीक है, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रधानमंत्री किसके हैं, उन्हें किसने खड़ा किया, हमने, वो हमसे ऊपर है, हमसे नीचे है, जनता ऊपर है, प्रधानमंत्री ऊपर है, किसके लिए है वो? मैंने बोला तो आप ही लोग बुलाते हैं ना, हम लोग बुलाते हैं तो कौन बड़ा हुआ, हम जनता हुए बड़े, तो इससे क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है माफ करने की? नहीं है, देश के राजा है वो, राजा नहीं है वो, हमारे द्वारा चुने गए हैं तब राजा हैं, हम जब चाहें तब उन्हें हटा सकते हैं, 24 में भी आ रहे हैं, हटा लिया आपने, कुछ नहीं कर पाया भाई, हमारे पास हम हटा लेंगे, यूपी में तो जीत गई ना, यूपी में जीत गई तो वहाँ की राजनीति अलग है, हम वो कैसी राजनीति, जनता जीता रही है, जनता हरा सकती है, ठीक है, जनता थोड़ी है जो सपोर्ट में है, कुछ जनता है जो अगेंस्ट में है, वो मेजोरिटी पे डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे कांग्रेस को कहें कि कांग्रेस नहीं आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही है, कांग्रेस विपक्ष दिख ही नहीं रहा है, विपक्ष पहले था, लेकिन क्या हुआ जो चेंज हो गया, कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, 52 से 67 सब कहते थे हटेगी नहीं, कुछ तो हुआ, जनता ने हटा दिया ना, ये सरकार भी हटेगी, मैं हटेगी, अब ये तो लोग हटाएंगे, ये तो वही वाली बात हो गई कि आप कुछ प्रोडक्शन पूछ रही हैं, और दूसरी चीज आपने हाँ कुछ कहा था कि ट्रैवल कर लीजिए ना, ठीक है, ट्रैवल कर लीजिए, मैम ट्रैवल तो कर लेंगे, हमारी मेन मुद्दा है पैसे को लेकर के, पैसे कौन देगा, आप देंगी, हैं सरकार देगी बस से, ठीक है पैसे चलो मान लेते आ गए, मैडम समय कौन लाएगा, सबसे ज्यादा तो समय हमारे पढ़ने आ रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं, क्या समय, हम बस से आ रहे हैं, पेरेंट्स, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी सही है नहीं, अगर हम मेट्रो अफोर्ड कर सकते तो मैडम बस से आने की, हम मेट्रो अफोर्ड कर सकते तो यहाँ धूप में खड़े क्यों रहते,
ठीक है, आदत है बोला जाता है आपको, आदत राजनीति करते हैं छात्र कम है आप लोग। ये राजनीति अब उन राजनेताओं से अच्छा कौन जानता है, है ना। वो अरविंद केजरीवाल जो 2012 में खुद धूप में खड़े होकर के सरकार के खिलाफ बोला करते थे, आज अगर हम उनके खिलाफ खड़े होकर के यहाँ पे उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, अब ये कैसी बात है। उनके बताए रास्ते पर उन्होंने बोला है कि आप करेक्टर ढीला, सीधी बात है, क्या बोल रहे हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग बोले तो राम करेक्टर ढीला, सीधी बात है, मतलब मोदी जी कर रहे हैं, कौन नहीं ये किया है, मतलब प्रदर्शन कौन नहीं किया, स्मृति ईरानी भी किया है, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, राहुल गांधी को देख लीजिए, वहीं से उनका मेन स्रोत उनका वहीं है, प्रदर्शन से ही है, सीधी बात है। जो कहाँ से आए हैं, कॉलेज से आए हैं, और मोदी जी लालू कहाँ से आए हैं, 1977 इमरजेंसी में जाना चाह रहे हैं, सत्ता वो वक्त बताएगा। चलिए पॉइंट से भटक रहे हैं आप, है ना, आपको पास चाहिए, पास चाहिए, क्या कुछ रहा है अभी, क्या कुछ करेंगे फिर आगे, अभी देखते हैं, मांग जारी है, जब तक मांग होती नहीं है तब तक अब सफर में तो रहेंगे, जब तक मंजिल मिल नहीं जाती तो बस जब तक मिलता नहीं है तब तक संघर्ष करते रहेंगे यहीं पर रोडों पर। मैडम रोड हमारा ही है, हमारे लिए ही है, और जाम कर देंगे फिर, आप चक्का जाम करेंगे, कहाँ जाम कर दिया, कहाँ जाम कर दिया, वीआईपी गाड़ी जा रही है उन्हें जाने नहीं। अच्छा, हमें शौक लगा है रोड जाम करने का, अगर हमारी बात सुनी जाए तो हम क्यों जाम करेंगे, हमें शौक लगा है लोगों को, हम भी आम जनता है, हमें पता है उन्हें क्या परेशानियां होती हैं, लेकिन हमें शौक तो लगा नहीं है, अगर वो हमारी बात सुने तो फिर जाम क्यों होगा, इसका जिम्मेदार कौन है, सिर्फ और सिर्फ सरकार है, वो हमारी बात नहीं सुन रही, हम धूप में खड़े हैं, वो एसी में बैठे हुए हैं, अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, हमारे शौक लगा यहाँ पे बैठ करके चक्का जाम करने का, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्हें आना चाहिए बाहर, आप भी धूप में, हम भी धूप में, आम जनता है, आम जनता है धूप में, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो फिर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे साथ ये छात्र थे जो जिस तरीके से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं कितनी टेम्परेचर है डिग्री का, कितना धूप है वहाँ पर, फिर भी रोडों पर बैठकर ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने ये आप देख सकते हैं सीएम साहब बैठते हैं यहीं तीसरी मंजिल पर, और ये दिल्ली सचिवालय है गेट नंबर 6 जो मेन गेट है, यहाँ से एंट्री की जाती है, बैरिकेटिंग हमेशा ही रहती है, मगर यहाँ पर अभी पुलिस वगैरह भी मौजूद थी क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यही दिल्ली सचिवालय के आगे लगातार जो केजरीवाल जी सड़कों से सत्ता में आए और अब सीट मिल गई है, तो ऐसे ही छात्रों का कहना है कि सीट का गुरूर आ चुका है, और अब जो जिस तरीके से महंगाई है, महंगाई के चलते लगातार जो छात्र हो चाहे घर चलाने वाले लोग हो, उनके ऊपर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों पर GST लग रहा है, वहीं अब जो मेट्रो का किराया है वो भी बढ़ चुका है, और लगातार जो ट्रैवल कर रहा है इसमें आने वाला हर आम आदमी होता है, मगर यहाँ पर छात्रों की बात की जा रही है कि जिस तरीके से ये छात्र पढ़ते हैं और पढ़ाई के चलते इनको ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद इतना किराया देना पड़ता है, फीस अलग से देनी पड़ती है, जिस तरीके से शिक्षा नीति को ख़त्म करने की ये एक कोशिश है, ये ऐसा कहना है इन लोगों का, मगर सरकार जो दिल्ली सरकार है उसने बसेस दी हुई हैं, बसेस में आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्रैवल करना होता है, ट्रैफिक लगा होता है और गर्मी की वैसे ही मार है, तो ये कहना है इनका कि इतना इतना लंबा लंबा रूट जो है ये ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त में ये पढ़ाई करेंगे, तो इसी तरीके से इनकी मांगे हैं लेकर के कि पास जो है उसमें इनको कंसेशन मिले और किसी तरीके की रियायतें हो जाए, तो यही मांग लेकर ये यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, और अंदर जो है इन्होंने मेमोरेंडम दिया है तो उस पर विचार विमर्श की जो है बात कही गई है। बाकी आप देखते रहिए जनित आवाज, इसी के साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली सचिवालय दिल्ली।